हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हमारे जीवन के हिस्से में। आज हम आपके लिए बहुत ही चार यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। देखिए, जब हम जैसे पहली टिप्स है, चाय पीते हैं तो कप में बारीक बारीक कने रह जाते हैं चाय के, जो हमें देखने में भी अच्छे नहीं लगते और पीने में भी अच्छे नहीं लगते। तो हमें जब चाय पत्ती लाते हैं तो सीधे ही डिब्बे में डाल देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बारीक कणे होते हैं चाय पत्ती के, जो चलनी में होकर निकल जाते हैं और हम जब चाय पीते हैं तो हमारे चाय के साथ पीने में आते हैं तो हमें गंदा लगता है। इसलिए हमें डिब्बे में सीधे नहीं भरना चाहिए। पहले जो आटा छानने की छलनी होती है उसे हमें हल्का सा एक से दो मिनट के लिए छानना चाहिए, जिससे बारीक कण निकल जाएंगे और बची हुई जो चलनी चाय पत्ती होती है चलनी में, उसे हमें डिब्बे में भरना चाहिए। हमें एक चम्मच के समथिंग चाय एक्स्ट्रा निकलती है, जो पतली बारीक वाली चाय होती है, जिन्हें हम फेंकेंगे भी नहीं। इसे हम पेड़ पौधे में डाल देंगे, जड़ों में, उनसे पेड़ पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमारी चाय पत्ती इधर जो डब्बे में भरी है, जिससे कप में भी वो बारीक कण नहीं आएंगे। देखिए, दूसरी टिप्स की साइड चलते हैं। जब हम नमक लाते हैं तो नमक सीधा भर देते हैं, और जैसे बरसात के दिनों में, सर्दियों के दिनों में नमी अधिक होती है तो हमारा नमक भी सीम जाता है। तो इसलिए हमें एक पेपर का टुकड़ा लेना है, उसमें एक चम्मच के समथिंग चावल लेने और इस तरह पोटली बना करके उसे डब्बे में अच्छे से दबा करके रख देना चाहिए, जिससे हमारा नमक सीमेगा नहीं और ना ही गीला जैसा होगा। देखिए, हम तीसरी टिप्स की साइड चलते हैं, ये भी बहुत यूजफुल होने वाली है। देखो, जब आपके पुराने सॉक्स हो जाते हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं ले सकते, इस तरह के सॉक्स को आप चिमटे पर पहनाइए और चिमटे का जादुई टिप्स देखिए। जब हम इस तरह पहनाते हैं और अच्छे से आप या तो धागे की सहायता से या बैंड की सहायता से या सीधे ही, यदि ज़्यादा लूज है तो ऐसे गांठ भी बांधने में आ जाएगी। देखिए, हमने इस तरह बांध करके इन्हें टाइट कर लिया है, अब ये चिमटे से बाहर नहीं निकलेगा। हमें मतलब सीधे कहने का मतलब है, हमें चिमटे पे अच्छे से अटैच करना है जिससे ये चिमटे से निकले नहीं। अब जैसे हम जालियाँ होती है, सेक्शन होते हैं ना कमरों के, हॉल जो भी, और जैसे मेन दरवाज़ा, कमरे के गेट, इनकी कुंडियाँ होती हैं, उनमें हमारा हाथ नहीं जाता है, जैसे सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस चिमटे की सहायता से हम दोनों साइड इस तरह बीच में फंसा करके कुंडी को इस तरह साफ करें, जिससे हमारे हाथ भी में भी चोट नहीं आएगी और चिमटे से अच्छे से सफाई हो जाएगी अंदर बाहर दोनों साइड से। देखिए दोस्तों, इस तरह करना और आपके लिए डेली लाइफ आसान हो जाएगी और आपका घर भी क्लीन रहेगा। छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपने डेली लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक से दो मिनट में ये पूरी कुंडी को अच्छे से साफ कर देंगे। इस तरह हम सेक्शन पे साफ कर सकते हैं। ये सॉक्स ने कितनी सफाई की आपको पता चला होगा। देखिए, हम चौथी टिप्स की साइड आते हैं। जैसे हमारा सॉक्स घूम जाता है या लूज हो जाता है, जो भी है, हमारे पास ये इसका साथ का सॉक्स घूम गया है, तो हम अब कंघी की टिप्स को फॉलो करेंगे एक सफाई करने के लिए। जैसे एक सॉक से हमने कंघी की सहायता ली है। देखिए, इस तरह जब फ्रीज होता है उसमें जो वेंट लगा होता है चारों तरफ, देखिए इसकी सफाई बहुत ही कम लोग करते, और इसकी सहायता से हम इसको साफ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, आप इसमें बैंड भी लगा सकते हैं, हमने अच्छे से टाइट पकड़ लिया है इसे, आपकी सुविधा अनुसार आप कर सकते हो और इस तरह आप अंदर तक इससे साफ कर सकते हो। छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप घर को क्लीन कर सकते हो और आपकी डेली लाइफ आसान बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की टिप्स अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, फ्रिज में जो वेंट होता है उससे भी कितनी सारी गंदगी निकल के आई है। इस तरह आप वीक में एक दिन करके आप अपने फ्रिज को भी साफ रख सकते हो।